ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी है। ओके, तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ए फंक्शन एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमा, ए फंक्शन एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा, और रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए इफ इफ एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन एन बी डी ऑफ ए। ओके, एन बी डी ऑफ ए, ठीक है। लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा किसको कहते हैं? ए फंक्शन एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। एनबीडी का मतलब क्या है? नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक ग्राफ बना ले रहे हैं। अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जैसे ये हो गया, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे अगर मैं देखूं तो इस फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी एक्स के किसी भी अदर वैल्यूज के लिए, एक्स के किसी और इनपुट के लिए एफ ऑफ ए सदैव क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू ए, क्लियर है। अगर मैं एनवीडी की बात करूं, यहां पे जो लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एनवीडी ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए, तो इसका मतलब यह होता है कि इसके थोड़ा सा आगे चेक करेंगे और इसके थोड़ा पीछे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लोकल मैक्सिमा। अच्छा, इसको ऐसे भी समझते हैं कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, एट एक्स इक्वल टू ए इसके आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है, और पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है, लोकल मैक्सिमा, या क्या बोल देंगे? रिलेटिव मैक्सिमा। ओके, क्लियर है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, दिस इज ट्रू और फॉल्स? ओके, चेक करना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो ग्राफ बना लेंगे, ठीक, साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे। सबको पता है साइन एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ये क्या है? पाई बाई टू। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि आगे जाने पर भी, इसके नेबरहुड में आगे जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? घट जा रही है। पीछे अगर आ रहा है तो भी फंक्शन की वैल्यू घट जा रही है। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, दैट मीन्स एफ ऑफ पाई बाई टू, यानी कि इस फंक्शन यानी साइन के फंक्शन में पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। तो इस हिसाब से यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा, एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये क्या है? ये ट्रू है। ओके, क्लियर है। दूसरा सवाल देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो लोकल मैक्सिमा, ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। तो बना लेते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। कॉस एक्स की ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ए ऐसा,
ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज द वाई एक्सिस, ओके। तो ये पॉइंट जो होता है जीरो, जीरो पे देखिए हाफ लूप इधर रहता है, कास का हाफ लूप इधर रहता है, तो यानी जो मैक्स वैल्यू होगी वो किस पे होगी, जीरो पर ही होगी। इसके इधर जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू घटती है और पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू घटती है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ओके ठीक है। बात करते हैं लोकल मिनिमा और रिलेटिव मिनिमा की। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लोकल मिनिमा और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मिनिमा। ये लोकल और रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कहते नहीं कि यहाँ के ये लोकल गुंडा हैं, ठीक है, तो लोकल का मतलब ये ग्लोबल नहीं होता है, ग्लोबल अलग होगा, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में ये जो है लोकल मिनिमा है, और रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बाद में देखेंगे इसको ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। तो ये लोकल मिनिमा है, तो इफ फंक्शन एफ एक्स हैज ए लोकल मिनिमा, इफ फंक्शन एफ एक्स हैज ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए, इफ एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल एक्स यहां पे ऐसे लिखते हैं, व्हेन एक्स इज इन, एक्स इज इन द एनबीडी ऑफ ए, ओके, नेबरहुड ऑफ ए, एक्स जो है एक्स के नेबरहुड में हो, ठीक है। तो यहां से जस्ट इसका उल्टा हो गया, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा बोलेंगे। ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ स्पष्ट हो जाएगा। ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओके, ये वाई एक्सिस है। तो अगर एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे हमें मिल जाए, ठीक है, तो देखिए इसके आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन एट एक्स इक्वल टू ए पे इस फंक्शन की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, यानी कि एफ ऑफ ए जो है एक्स के कहीं भी आगे पीछे जाने पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू अगर ऑप्टेन हो रही है, तो मैं ये क्या कह दूंगा कि ये लोकल मिनिमा है एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू घट रही है, पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा कहेंगे। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन करते हैं, क्लियर होगा, बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं अभी, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हैज ए लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये ट्रू है या फॉल्स, ओके। एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सभी को याद होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर का, वो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है। अगर ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिएगा इस जीरो के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, तो जीरो के आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे केस को अभी हमने क्या कह दिया कि एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज लोकल मिनिमा, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन समझते हैं, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू घटे, पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू, आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़े और पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू बढ़े, तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे ग्राफ के पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हैज ए लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये ट्रू है या फॉल्स है? ओके तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। इंडेक्सिंग कर देते हैं इसकी, ये होता है पाई बाई टू, ये होता है पाई, ये होता है थ्री पाई बाई टू, और ये होता है टू पाई। ओके तो अभी अगर लोकल मिनिमा की मैं बात करूं पाई बाई टू पे, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो अभी मैंने देखा, तो ये तो लोकल मैक्सिमा का है, ऐसा सवाल भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो क्लियरली यहां से कह सकते हैं कि दिस इज द फॉल्स, दिस इज द फॉल्स, ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। एक केस और देखते हैं, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस, थर्ड वन, नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये ग्राफ हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओके, और यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर हम पूछें, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पूछें एक्स इक्वल टू ए, इसके आगे जाने पे क्या हो रहा है, इसके फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, पीछे जाने पे क्या हो रहा है, इसके फंक्शन की वैल्यू घट रही है। इसके नेबरहुड में ही बात कर रहे हैं, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। अगर मैं यहीं पर क्लियर करूं कि मैक्सिमा का केस हमारे पास वो था जब आगे जाने पर किसी पर्टिकुलर एक्स के आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, घटे, आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू घटे, पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू घटे, तो इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, पर्टिकुलर पॉइंट एक्स के लिए, एक्स इक्वल टू ए के लिए लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा का केस क्या था, बेसिक डेफिनेशन से समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। लोकल मिनिमा का केस अगर हम लोग देखें तो इसमें कुछ ऐसा था कि पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू ए के आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, पीछे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक्स इक्वल टू ए जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा लोकल मिनिमा। इन दोनों डेफिनेशंस को छोड़ के, ये तीसरा, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, अगर ये दोनों डेफिनेशंस है, आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू घट रही है, पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू घट रही है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, लोकल मैक्सिमा, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए जो आसपास है, उस पर्टिकुलर रेंज के लिए क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। और अगर ये पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यहाँ पे लोकल मिनिमा केस में आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही हो और पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कैसा हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आगे जाने पे बढ़ रहा हो, पीछे जाने पे घट रहा हो, तो ऐसा कोई केस ही नहीं होता है, तो ये हो जाएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एक क्वेश्चन लेते हैं तो यहां से क्लियर हो जाएगा, ओके ठीक है। गिवेन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हैज हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, ये ट्रू है या फॉल्स है, ओके इसको चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ओके साइन एक्स का ग्राफ हम बना ले रहे हैं, ठीक, ये हो गया वाई इक्वल टू साइन एक्स, पाई बाई थ्री भी पूछा है, तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ ये पाई बाई टू होता है, पाई बाई थ्री क्या होगा और थोड़ा सा पहले होगा, ठीक है, ये हो गया पाई बाई थ्री, ओके। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के लिए
मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस पॉइंट के लिए देखिए, इसके आगे जैसे ही जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। इसके आगे जाने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ जा रही है और पीछे जाने पर फंक्शन की वैल्यू घट जा रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए के लिए, ए यानी कि पाई बाई थ्री के लिए, ये क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, यानी कि ये केस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये केस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, गिवेन गिवेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री टू द पावर सिक्स एक्स माइनस फाइव टू द पावर एन, वेयर एन इज ऑड, वेयर एन इज ऑड। ओके, एन कैसा है, ऑड। देन चेक मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू थ्री एंड एक्स इक्वल टू फाइव। एक्स इक्वल टू थ्री के लिए मैक्सिमा और मिनिमा यहां पे चेक करना है, समझिएगा। अगर बेसिक थ्योरम की मैं बात करूं तो इसका मतलब कोई ग्राफ है, उस ग्राफ के पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू थ्री के आसपास से हम वैल्यू चेक करेंगे, बड़ी है कि छोटी, और उसके उसके फाइव फाइव नेक्स्ट नंबर जो है फाइव, उससे चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ एफ एक्स को क्लियरली, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री थ्रू पावर सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव टू द पावर एन, वेयर एन कैसा है, ऑड नंबर है, एन कैसा है, ऑड नंबर है, ये गिवन है, ठीक है। तो मैं एट एक्स इक्वल टू थ्री के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू थ्री, अगर मैं एक्स इक्वल टू थ्री के लिए चेक करूँ, पहले जो मैक्सिमा मिनिमा हम चेक कर रहे थे उसमें मैं क्या कर रहा था, उसके ध्यान दीजिएगा कि उसके क्या जो पॉइंट दिया होता है उस पॉइंट पे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ गई, जो भी आ गई, फिर हम चेक करते हैं उसके जस्ट आगे और जस्ट पीछे। जस्ट आगे अगर मैं गया उससे उसकी वैल्यू कम हो गई, पीछे गया तो भी कम हो गई, तो उस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। और अगर जस्ट उसके आगे गए तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई, पीछे गए तो भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई, तो उस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। और अगर एक्स इक्वल टू ए के फंक्शन की वैल्यू मैंने निकाला और उसके आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई और पीछे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, तो उस पॉइंट के लिए ना तो वो लोकल मैक्सिमा होगा ना तो लोकल मिनिमा। आई होप क्लियर होगा, आइए पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू थ्री पे फंक्शन की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए एक्स इक्वल टू थ्री पे, तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैं रख दूंगा थ्री माइनस थ्री टू द पावर सिक्स और थ्री माइनस फाइव टू द पावर एन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो का किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। ओके, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब मुझे क्या करना है, एफ ऑफ थ्री के आगे चेक करना है और एफ ऑफ थ्री के पीछे। आगे का मतलब क्या होता है, प्लस, नेबरहुड का मतलब होता है थोड़ा सा आगे। तो मैं क्या चेक करूंगा, एट एक्स इक्वल टू थ्री प्लस, थ्री प्लस का मतलब क्या हो गया, थ्री से थोड़ा सा आगे, थ्री से थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री प्लस को अगर मैं देखूं तो एक्स माइनस थ्री टू द पावर सिक्स और एक्स माइनस फाइव टू द पावर एन है। आप समझिएगा लॉजिकली, तो थ्री प्लस जैसे ही होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, थ्री प्लस आएगा तो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, जीरो से बड़ा आएगा, थ्री पॉइंट समथिंग आ जाएगा तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ये नंबर देखिए, अगर थ्री प्लस होगा और फाइव में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसा आएगा, लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो का पावर एन करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। तो ओवरऑल नंबर ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। ओके, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से एफ डैश थ्री प्लस की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, ठीक है, जीरो से कम हो गई, ठीक है। अब देखते हैं थ्री माइनस के लिए, एट एक्स इक्वल टू थ्री माइनस, यानी कि थ्री के पीछे, जस्ट पीछे, एफ ऑफ थ्री माइनस, एफ ऑफ थ्री माइनस, तो क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख ले रहा हूं एक्स माइनस थ्री टू द पावर सिक्स इंटू
एक्स माइनस फाइव टू द पावर एन। ओके तो देखिए, थ्री से छोटी वैल्यू, अगर थ्री से छोटी वैल्यू आ जाएगी तो कैसा आएगा, लेस देन जीरो। ये नंबर कैसा आएगा, ये नंबर हमारा लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि थ्री से छोटी वैल्यू अगर हम लेंगे तो थ्री में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लेस देन जीरो, लेकिन अल्टीमेटली इसका पावर क्या है, इवन है, तो कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो। पावर इवन है तो नंबर ऑफ टाइम से ये जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आ जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा, ये नंबर थ्री से छोटा है तो ये नंबर भी क्या होगा, माइनस यानी कि निगेटिव होगा, ये नंबर निगेटिव होगा, ये नंबर भी निगेटिव है तो ओवरऑल निगेटिव, और निगेटिव का पावर निगेटिव तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन जीरो, ठीक है, समझिएगा, ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन जीरो। और अगर एक लेस देन है एक ग्रेटर देन है तो ओवरऑल इसका साइन एफ डैश एफ थ्री माइनस का जो एफ ऑफ थ्री ऑफ माइनस का जो आएगा मल्टीप्लीकेशन वो क्या आएगा, लेस देन जीरो। अगर ये लेस देन जीरो आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि एफ डैश थ्री माइनस, एफ डैश थ्री माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन जीरो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, लेफ्ट लेस देन जीरो, ठीक है। अब समझिएगा, अब देखिएगा, अब मैं पूरा कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू थ्री पे इसकी वैल्यू क्या आ गई है, जीरो आ गई है, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और एट एक्स इक्वल टू थ्री प्लस यानी कि एफ ऑफ थ्री प्लस की वैल्यू क्या आ गई है, लेस देन जीरो, ओके। और एट एक्स इक्वल टू थ्री माइनस इस पे यानी कि एफ ऑफ थ्री माइनस की वैल्यू भी क्या आ गई, लेस देन जीरो, समझिएगा। ये कुछ ऐसा है क्या, अगर मैं इसको ग्राफिकली देखने का प्रयास करूं कि मतलब कैसा ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू थ्री यहां पे है, एक्स इक्वल टू थ्री यहां पे है, ठीक है, एक्स इक्वल टू थ्री यहां पे है, इसके जब आगे जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू घट जा रही है, घटने का मतलब ये आ गया, ठीक है, और पीछे जा रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू घट गई, ओके, समझिएगा। ये थ्री माइनस और ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री। तो ऐसा ग्राफ हम लोगों ने कहाँ देखा था, दिस इज द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ये अपने नेबरहुड में जब भी हम जा रहे हैं इसके आगे और पीछे, तो इसके फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, घट जा रही है, इसके फंक्शन की वैल्यू अगर घट जा रही है तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, हेंस एट एक्स इक्वल टू थ्री फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जैसा थियरी चल रहा है उसी के हिसाब से किए हैं, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू थ्री पे क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। दूसरा वाला केस लिखते हैं, एट एक्स इक्वल टू फाइव, तो मैं पहले एफ एक्स को लिख ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री टू द पावर सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव टू द पावर एन, ओके, यहां पे मुझे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव के लिए मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू फाइव यहां पे पहले f ऑफ फाइव मैं निकाल ले रहा हूं, ठीक है, तो x माइनस थ्री, ठीक है, x माइनस थ्री इंटू पावर सिक्स और फाइव माइनस फाइव टू द पावर n। अब देखिए ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा, जीरो, यानी कि f ऑफ फाइव की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी, f ऑफ फाइव की वैल्यू जीरो आएगी। अभी मुझे क्या करना है, फाइव के आगे चेक करना है, फाइव के पीछे, ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू फाइव प्लस के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो एफ ऑफ फाइव प्लस, ठीक है, तो देखते हैं कि एफ ऑफ फाइव प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, दो बार हो गया, ओके, एफ ऑफ फाइव प्लस के लिए अगर मैं देखूं, ठीक है, तो यहां से मैं इनपुट लिख सकता हूं कि एक्स माइनस थ्री टू द पावर सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव टू द पावर एन, ओके, तो देखिए फाइव प्लस, फाइव प्लस यानी फाइव से बड़ा, तो ये नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ओवरऑल पावर सिक्स है तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, फाइव से प्लस ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, पावर इवन है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, ओके, पावर इवन है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट अगर मैं यहां से देखूं तो कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन वी कैन से दैट एफ ऑफ फाइव प्लस, एफ ऑफ फाइव प्लस यहां से कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा मैं चेक करूंगा एट एक्स इक्वल टू फाइव माइनस के लिए, फाइव माइनस के लिए, तो यहां से मैं एफ एक्स लिख ले रहा हूं, क्या था, एक्स माइनस थ्री टू पावर सिक्स
इंटू एक्स माइनस फाइव टू द पावर एन। ओके ठीक, देखिएगा तो एफ ऑफ फाइव माइनस उसके जस्ट पीछे नेबरहुड में मैं चेक कर रहा हूं तो फाइव माइनस, यहां पे मैं ऐसे लॉजिकली समझ ले रहा हूं ठीक है, क्योंकि मुझे साइंस से सिर्फ मतलब है। ओके देखिए फाइव माइनस यानी फाइव से थोड़ा सा छोटा, यानी कि ये नंबर कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। वैसे भी पावर इवन है तो कुछ भी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, पावर इवन मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और एफ ऑफ माइनस यानी कि पाँच से थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा तो ये वाला नंबर कैसा आएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि फाइव जो है बड़ा होगा और इसका पावर भी ऑड है, पावर ऑड है तो मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा, कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन जीरो आएगा। एक लेस देन जीरो और एक ग्रेटर देन जीरो, ओवरऑल मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लेस देन जीरो। दैट कैन वी आर वी कैन से दैट यहाँ से एफ ऑफ माइनस फाइव, एफ ऑफ फाइव माइनस की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो। ओके फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ यहाँ पे तो एट एक्स इक्वल टू फाइव, एट एक्स इक्वल टू फाइव दैट मीन्स एफ फाइव की वैल्यू यहाँ पे आई जीरो, एट एक्स इक्वल टू फाइव प्लस, एक्स इक्वल टू फाइव प्लस के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या आया था, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एफ फाइव प्लस ये कैसा आया था, ग्रेटर देन जीरो। एट एक्स इक्वल टू फाइव माइनस इसके लिए अगर मैं देखूँ एफ ऑफ फाइव माइनस तो कैसा आया था, लेस देन जीरो। अगर इसके ग्राफ को मैं बनाने का प्रयास करूं, थोड़ा सा लॉजिकली समझने का प्रयास करूं तो क्या हो सकता है, समझिएगा। जैसे ये 5 है, हमने यहां पे बना लिया x इक्वल टू 5 पे, हमने ये मान लिया इसकी वैल्यू 0 आ रही है ठीक है। इसके जब आगे जा रहे हैं तो इसके फंक्शन की वैल्यू बढ़ जा रही है ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, बढ़ गई 5 प्लस, और पीछे जब आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, घट जा रही है, ये हो जाएगा 5 माइनस। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, तो इसमें कहीं ना तो लोकल मैक्सिमा मिल रहा है और ना ही लोकल मिनिमा। अगर लॉजिकली समझने का मैं प्रयास करूं तो x इक्वल टू 5 पे ये क्या हो रहा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि इसका नेचर ना तो मैक्सिमा की तरफ है ना तो मिनिमा की तरफ है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि हेंस हेंस एट एक्स इक्वल टू 5 इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ठीक है। यानी कि केवल एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3 पे बात करें तो यहां पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है और कुछ नहीं है ठीक है। ठीक है तो ये बेसिक थियरी है, आज हमने स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे अच्छे सवाल और टॉपिक्स को लेके आएंगे ठीक है। ओके तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है, थैंक यू।